तकवे वाले जो हमारे जो इंडी बाजार में यहाँ वहाँ पे जो हमारे दाढ़ी वाले नमाज पढ़ने वाले चुप रहने वाले लोग होते ना, जो बेचारे वो बेच रहे ये बेच रहे वो असली लोग है ना। तो इमरजेंसी आई, अल्लाह इसको सब लोग देख रहे हो, नमाज में दुआ करना। तो हम ये कह रहे थे कि कानिया डज्जाल, कानिया डज्जाल क्या है ये, ये कानिया डज्जाल है, ये देखो एक आंख वाला कानिया डज्जाल। तूने कुरान में लिखा हुआ है मेरे भाई, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो, उसको हिफ्ज़ करो मेरे भाइयों। कुरान में ऐसी ऐसी आयतें ऐसी ऐसी सूरतें ना, पढ़ के फूंक मारे तो आदमी अंधा हो जाता है, मालूम है, दुश्मनों को दिखाई नहीं देता है। और अब ये मत कहना आपने पढ़ा है, अगर हमने नहीं पढ़ा होता तो हमारा काम कब से हो जाता। हम पढ़ के निकलते अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें नॉलेज है इस्लाम का बहुत ज़्यादा, और हमको हमारे अल्लाह पे यकीन भी है बहुत ज़्यादा। तो ये कानिया डज्जाल जो है ना, ये इसराइलियों ने मुसलमानों के हाथ में दे दिया। सबसे ज़्यादा इस पर मुसलमान होते हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मस्जिदों में भी मुसलमान कानिया डज्जाल को लेके जाते हैं। वो मस्जिद उठा लो वहाँ पे भी मिस कॉल आया कि नहीं, फ़ोन आया कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, ये हुआ ना। देखो कानिया डज्जाल में हमसे ज़्यादा नॉलेज था और हमसे ज़्यादा इबादत करता था अल्लाह ताला की, एक पैर पे उल्टा होके रोज़ बोलता या अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना। तो अल्लाह ये कहते थे कि कानिया डज्जाल अल्लाह की बंदी बेच, देख मेरे जो बंदे हैं ना अल्लाह के, वो बंदे वो तेरी बातों में नहीं आएंगे। तेरी बातों में कौन आएगा? जो कानिया डज्जाल में ज़्यादा मानता होगा। और अब ये मत कहना कानिया डज्जाल में नहीं मानते हो, इसी पे तो लगे रहते हो। देखो हम इसको यूज़ करते, ये मत कहना भाई आप भी, अबे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी चीज़ों के लिए मेरे भाइयों। मैं ये नहीं कह रहा मोबाइल इस्तेमाल मत करो, लेकिन मस्जिदों में मत करो, जब घरों में बैठे हैं माँ बाप के साथ तब मत करो। मेरे यारों मेरे प्यारों, छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ऐसी कमी माफ़ करना, मैं कोई आलिम और ओलमा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो जानता हूँ बता रहा हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ोर से सब बोलो, ये बोलना ज़रूरी है, ये चला गया है, वजू कर रहे थे तो सहाबा सब खड़े थे आसपास बैठे थे, तो वो आके क्या करने लगे, पानी जब हमारे हुजूर कर रहे थे तो पानी गिरा, ले लिया, पी लिया, किसी ने मुंह पे लगा लिया, किसी ने सर पे लगा लिया, किसी ने लगा लिया। तो हुजूर कहे साहबियों क्या कर रहे हो? बोले हुजूर आपकी वजू का पानी है, मैं कैसे छोड़ दूं? क्यों? क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं। तो नबी ने मुस्कुरा के कहा कि हर दौर में हर टाइम पे जब भी तुम्हें पता करना हो कि मेरे फॉलोवर्स और मुझे मोहब्बत करने वाले लोग कौन हैं, तो बोले कैसे पता चलेगा हुजूर? तो कहा कि जो मुझसे प्यार करेगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जो मुझसे प्यार करेगा वो किसी को धोखा नहीं देगा, जो मुझसे प्यार करेगा मेरा फॉलोअर रहेगा वो हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाएगा, वो दूसरों की टांग नहीं खींचेगा। तो ये हुजूर के मोहब्बत करने वाले और फॉलोवर्स है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, हम भी इतनी पारी किसी फॉलो नहीं कर पा रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया किसी काम के लिए कि अगर तुम मेरी बात सुनते हो मेरे यारो मेरे प्यारो, तो तुम तक अच्छी बुरी सारी बातें पहुँचा दूँ। अब अल्लाह जिसको हिदायत देता है वो एजाज खान बन जाता है, और जिसको मोदी और योगी हिदायत देंगे वो फिर कानिए दज्जाल में लग जाते हैं, और वो फिर उसमें लग जाते हैं। तो मेरे यारो अल्लाह के वास्ते फिरका परस्ती से बचो, एक हो जाओ। और मेरे सनातन धर्म के हिंदू भाई है, मैं तुम्हारी कसम बाप का मतलब पता नहीं होगा, असली हिंदू लोग जिस तरह हम भी
और हमें भी हिंदुओं से नफरत नहीं करनी सनातन धर्म के। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है मेरे यारों। तो हमें भी सबसे प्यार एक चीज ये दिखाएंगे हम अल्लाह के बंदे घुमाना कि तर्जुमे के साथ किस किस ने कुरान शरीफ पढ़ा है, हाथ उठा लो मेरे प्यारे, शर्म की बात नहीं है, हाथ उठा लो। कोई भी नहीं, हम थोड़ा सा हाथ उठाएंगे क्योंकि हमने आधा पढ़ा है, लेकिन आधा पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम कितने मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से सभी ने ऑलमोस्ट, हमने अभी चालू किया, किसी ने भी तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ नहीं पढ़ा है। और देखो कुरान शरीफ हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कुरान शरीफ की आयतों में वो ताकत है कि जमीन पे पड़ी जाए तो आसमान में उसका असर होता है। तो मेरे यारों, एक कानिया दज्जाल के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की भी फैसिलिटी दे दी है। तो हम दिन भर इसमें पिक्चरें भी देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, व्हाट्सएप पे ये आया वो आया, कॉमेडी ये वो, भाई इसी के अंदर तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ लो, मेरा अल्लाह तुम लोगों को ऐसी शिफा देगा, ऐसी ताकत देगा, ये रोना धोना बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।